कहते हैं कि अगर दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो इंसान कठिन से कठिन कार्य भी कर लेता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाने की तमन्ना पाल रखी है तमिलनाडु के दो भाइयों ने, पंडित दुरई डी और कार्तिक किरण डी। तमिलनाडु के गांव के बेलागुंडी जिला सिम्बंगाई के रहने वाले ये दोनों भाई गिनीज बुक और लिम्का बुक में अपना नाम दर्ज कराने के लिए ये 501 मंदिर यात्रा करने के लिए घर से निकल चुके हैं। घर से इन्हें पूजा अर्चना के साथ और सभी ग्रामीणों ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा के लिए रवाना किया। इनके परिजनों और स्थानीय लोगों ने इनकी सफलता के लिए दुआएं भी मांगी हैं। पाँच सौ एक मंदिर, 32 राज्य, 13,000 किलोमीटर का सफर ये पूरा करेंगे। इन दोनों भाइयों ने 7 नवंबर को यात्रा शुरू की है और इन्होंने अब तक लगभग 28 दिनों में 318 मंदिरों की यात्रा पूरी कर ली है, जिनमें विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी का मंदिर 318वां मंदिर है। और अभी अपना पूरा टारगेट 501 मंदिरों की यात्रा को पूरा करना चाहते हैं। मंदिर से नैना देवी में पहुंचकर जहां पर मां के दर्शन किए, पुजारी हरीश शर्मा ने पूजा अर्चना करवाई। वहीं पर इन्होंने मां से आशीर्वाद मांगा, माता इनको अपने उद्देश्य में सफल करें और वे गिनीज बुक और लिम्का बुक में अपना नाम दर्ज करवा सकें। हालांकि 501 मंदिरों की यात्रा करने पर इन्हें 13,000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। इन दोनों का कहना है कि कुछ अलग करके दिखाना चाहते हैं और उन्होंने 501 मंदिरों की यात्रा करके अपना नाम दर्ज करवाने की हसरत पाल रखी है और इसे पूरा करके ही छोड़ेंगे। हिमाचल विधानसभा में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चली, बिना विपक्ष के हंगामे के पहली बार प्रश्नकाल चला। प्रश्नकाल के समाप्त होते ही विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री से पूछा कि सरकारी स्कूलों में बच्चियों से छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। ताज़ा मामला हरोली का है, जहां पर 13 बच्चियों ने शिक्षक पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में मिड डे मील में बच्चों को अलग बिठाने का मामला आया है। ऐसे मामलों में सरकार दोषी भी शिक्षकों के खिलाफ सीधा कार्रवाई कर बर्खास्त करे। जवाब में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि ऐसे मामले स्कूलों में बढ़ते जा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। सरकार आर्टिकल 3/11 के तहत ऐसे शिक्षकों को बर्खास्त करेगी। शिक्षा मंत्री ने सभी से अपील की है कि ऐसे शिक्षकों की सिफारिशें लेकर कोई उनके पास नहीं आए। ऐसे मामलों में अवारी विधायक भी शामिल हैं। ऐसे शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ताजा घटनाओं का जिक्र करते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि इनकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जबकि हरोली मामले में दोषी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। उधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी स्कूलों में बढ़ती छेड़छाड़ की घटनाओं पर चिंता जाहिर की और कहा कि ऐसे मामलों में शामिल पाए जाने वाले शिक्षकों को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके क्षेत्र में जातीय भेदभाव का जो मामला सामने आया है, उसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वो जांच रिपोर्ट मांगी गई है। हिमाचल की गृहिणियों को धुआं मुक्त बनाने के लिए हिमाचल सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसके लिए प्रत्येक जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और महिलाओं को गैस कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। सोलन में भी विपुल गैस एजेंसी में गृहिणी सुविधा योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने की, जहां जिले भर से आई महिलाओं ने हिस्सा लिया और उन्हें निःशुल्क गैस के कनेक्शन वितरित किए गए। इस मौके पर खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने
जानकारी देते हुए कहा कि सोलन में गृहिणी सुविधा योजना के तहत महिलाओं को 100 गैस कनेक्शन वितरित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सोलन में उन्हें 15,560 महिलाओं के आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 10,535 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। कुछ आवेदन ऐसे हैं जिनके घरों में पहले से ही गैस के कनेक्शन थे, उनके आवेदन रद्द कर दिए हैं और इसे 20 तारीख से पहले सभी आवेदनकर्ताओं को ये कनेक्शन दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 31 दिसंबर तक हिमाचल की महिलाओं को धुआं रहित बनाने का लक्ष्य लिया है, लेकिन सोलन में ये लक्ष्य 20 दिसंबर तक ही धुआं रहित हो जाएगा।